देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं प्राची तिवारी। हमारे देश में अभी भी कई प्रदेश ऐसे हैं जहां की महिलाओं के लिए घर की दहलीज को लांघना ना के बराबर है। उनकी सारी जिंदगी घर की चार दीवारी में ही सिमट कर रह जाती है। तो वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो समाज की रूढ़िवादी सोच की परवाह ना करते हुए अपना खुद का व्यवसाय खड़ा कर बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा साबित हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्णा पिकल्स की मालकिन कृष्णा यादव की। 35 साल की कृष्णा यादव उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली हैं, जो कि आज 500 करोड़ की चार अचार कंपनियों की मालकिन है। इस सफर की शुरुआत उनके घर से ही हुई। दरअसल कृष्णा यादव के पति पेशे से एक बिजनेसमैन थे, लेकिन किसी कारण से उनके बिजनेस में उन्हें काफी भारी नुकसान हुआ और उस घाटे की भरपाई करते करते उनका सब कुछ बिक गया, जिसके कारण अपना शहर छोड़ वो हरियाणा के गुरुग्राम में आकर बस गए, जहां से उन्होंने फिर से नई शुरुआत की और खेती करने के बारे में सोचा। पट्टे पर उन्होंने खेत भी लिया, मगर खेती का अनुभव ना होने के कारण कृष्णा जी को खेती में अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाया। इसी बीच उनकी एक दोस्त ने उन्हें अचार बनाने की ट्रेनिंग दिए जाने के बारे में बताया और उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर से अचार बनाने की ट्रेनिंग ले ली, जिसके बाद अपने खेतों से पैदा हुई फसलों जैसे कि गाजर, टमाटर, गोभी और आंवला से दादी नानी के पुराने नुस्खों को आजमाकर कृष्णा यादव ने धीरे धीरे अचार बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें उनके पति सड़क किनारे बेचने जाते थे और एकाएक लोगों को उनका अचार पसंद आने लगा, जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों के अचार के स्वाद को भी समझो फीका कर दिया। बस फिर क्या, उन्हें थोक में ऑर्डर मिलने लगे और उसके बाद उनके सपनों को पंख लग गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कृष्णा जी को कई राज्य स्तरीय और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि कृष्णा जी आज चार कंपनियों की मालकिन है और उनकी कंपनियों का करोड़ों का टर्नओवर है। आज उन्होंने अपनी कंपनी में हजारों महिलाओं को जोड़कर उनके लिए रोजगार के नए अवसर खोले हुए हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और हल्ला और शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।